हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं थॉट्स इन अ गार्डन, मीन्स गार्डन में विचार। ये लिखा गया है बाय एंड्रयू मार्वेल के द्वारा। थॉट्स इन ए गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल इज अ यूनिक पोएम विच इज रोमांटिक इन इट्स एक्सप्रेशन एंड मेटाफिजिकल इन इट्स वर्ड गेम। यह पोएम एक अनोखा पोएम है और अभिव्यक्ति के रूप में इसको देखें तो यह रोमांटिक है, और शब्दों के चयन के रूप में देखें तो यह मेटाफिजिकल है। कैसे रोमांटिक है और कैसे मेटाफिजिकल है, यह देखते हैं। इट इज़ रोमांटिक बिकॉज इट इज़ अबाउट द नेचर इन सब्जेक्ट एंड थीम। यह रोमांटिक इसलिए है क्योंकि रोमांटिक में लव शो किया जाता है किसी के प्रति, खास करके इस पोएम में प्रकृति के प्रति लव शो किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका थीम, इसका सब्जेक्ट नेचर है और इसलिए इसको हम रोमांटिक पोएम कहेंगे। एंड इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग्स अबाउट लाइफ इन द नेचर। आप देखेंगे इसमें कि जो एंड्रयू मार्वेल हैं उनका व्यक्तिगत और इमोशनल फीलिंग्स है प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको रोमांटिक पोएम कहेंगे। इट्स स्टाइल इज़ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो अध्यात्म से जुड़ा हो, स्पिरिट से जुड़ा हुआ हो, दैट इज बियॉन्ड फिजिकल। ठीक है, तो इट्स स्टाइल इज़ मेटाफिजिकल बिकॉज इट यूजेज द कंसीट। क्योंकि मेटाफिजिकल है क्योंकि इसमें कंसीट का प्रयोग किया गया। कंसीट एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही जिसको तुलना नहीं करने वाली यह चीज़ है उससे तुलना करना। ठीक है, तो हालांकि इसे संबंधित आप हमारा जो वीडियो है फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें जाकर इसको डिटेल्स में एग्जांपल के साथ पढ़ सकते हैं। तो कंसीट का मतलब होता है कि एक ऐसा मेटाफोर जिसमें कि बहुत दूर के चीज़ों से तुलना की गई हो। फोर्सफुल आर्गूमेंट इसमें काफ़ी अपने व्यक्तिगत अपने बातों को काफ़ी बलपूर्वक प्रयोग किया गया है। एल्यूजन्स इसमें संदर्भ बताए गए हैं कई चीज़ों के। फ्रॉम सोर्सेज लाइक द बाइबल, मिथ्स, मेटाफिजिकल फिलोसफीज इटीसी। इसके अंतर्गत कई चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि पोएम लिखने के दौरान कई एग्जांपल्स पेश किए गए हैं जो बाइबल से लिया गया है, जो लोगों के मिथ्स मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो जिसको लोग सही मानते रहे हो बट वास्तव में झूठ है, लोग किंवदंतियाँ रही हो लेकिन वास्तव में झूठ है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। द थीम इज़ दैट द गार्डन विच इज़ द सिम्बल ऑफ लाइफ इन नेचर इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कम्फर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। इसके अंदर जो थीम है इस पोएम का वो है एक गार्डन के अंदर, एक गार्डन का थीम है और वो दर्शाता है कि गार्डन एक परफेक्ट जगह होता है जहाँ पे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आदमी कंफर्टेबल फील कर सकता है, संतुष्ट हो सकता है, संतोष फील कर सकता है। अनलाइक द सोसाइटी वेयर प्लीजर इज फॉल्स एंड टेम्परेरी। ऐसा नहीं कि समाज में किसी को खुशी मिल जाएगी और संतुष्टि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये झूठा है। समाज के अंदर की जो खुशी है वो झूठा है और वो टेम्परेरी है, अस्थाई है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पोएम का थीम क्या है। राइटर्स के बारे में हमने डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं दिया है क्योंकि प्रत्येक राइटर्स के पूरी बायोग्राफी, उनके वर्क्स अलग से हमने स्टडी करवाई है। तो अब समय आ गया है कि पोएम को पढ़ा जाए। हाउ वेनली, लेट मी टेल यू कि कैसे इसको पढ़ना है। यहाँ पे हमने पूरी पोएम दे रखी है और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप बार बार इसको देख सकते हैं या आप चाहे तो नोट्स भी इसका बना सकते हैं। चलिए आपको मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। हाउ वेनली मेन देमसेल्व्स अमेज। देखो वेनली मतलब होता है यूजलेसली। अमेज मीन्स होता है अचंभित होना, वंडर फील करना। ठीक है, तो कहता है कि
कैसे जो बेकार में जो मनुष्य है अपने आप को थोड़ी सी तरक्की मिल जाती है, और बेकार की तरक्की के लिए पा करके, बेकार की तरक्की को पा करके अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। टू विन द पाम द ओक बेज, देखो ये पाम आप जानते हैं तार और ओक बेज, ये सब पेड़ के एक प्रकार के पेड़ है, उसके पत्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लोग किस चीज़ में विक्ट्री पा लेते थे, जीत लेते थे, तो उन्हें अलग अलग तरह के जीतों में, अलग अलग तरह के जीत हासिल करने के लिए, सम्मान देने के लिए अलग अलग तरह के पेड़ के पत्तों को उनके क्राउन, क्राउन मीन्स सर में, सर पे जो लगाते क्राउन, उसमें लगा के दिया जाता था, और इससे वो बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस करते थे। तो वही कह रहा है अब इसमें, देखो पाम जो पाम है ये अगर मिलिट्री के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में अगर कोई सफलता पाई है तो उसके क्राउन में, उसके सर के ताज में जो पत्ते लगाते जाते थे पाम के लगाए जाते थे। इसी तरह से ओक है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली अगर कोई बेनिफिट पाया है तो ओक का लगाया जाता था। बेस के पत्ते लगाए जाते थे कब, जब आर्टिस्टिक ग्लोरी, जब कला के संबंधित कोई ग्लोरी प्राप्त करता था तो ये ओक बेस के पत्ते लगाए जाते थे। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, कहते हैं इसके लिए अनसेसेंट मतलब होता है लगातार, वो लगातार मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, किस लिए, उस पेड़ के एक पत्ते के अपने क्राउन में लगाने के लिए, चाहे वो हर्ब मीन्स टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, झाड़ी टाइप का जो होता है, तो उसके या पेड़ के एक पत्ते को लगाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। हु शॉर्ट एंड नैरो वर्ड सेड डच प्रूडेंटली देयर ट्वेल अ ब्रेड, कहते हैं कि अब बताओ एक पत्ता कोई अपने क्राउन में लगा ले तो उसके जो छोटे से, उसके जो संकीर्ण जो छाया बनेगा क्या उससे कोई काम होगा। तो कहता है कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि उसकी इस मूर्खतापूर्ण जो सोच है कि एक छोटे से पत्ते को लगा ले सर में, तो इसके लिए जो स्थिति है वो लगता नहीं है कि उसको डांट रहा हो कि तुम क्या ये फालतू के अपना यूजलेस मेहनत कर रहे हो। ट्वेल्थ करना मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है, अपग्रेड मीन्स डांटना, स्कॉल्ड करना। तो नहीं लगता है कि उसकी जो अंदर, इंसान के जो अंदर की जो बुद्धि है, क्या उसकी बुद्धि डांटता नहीं है कि एक छोटे से पत्ते के लिए जिसके छाया से भी कुछ नहीं हो सकता उसके लिए इतना मेहनत करते हो। वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीप द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज, जबकि अगर देखा जाए तो पूरे गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सब इकट्ठा हो करके इतना सुंदर वातावरण पैदा करते हैं, एक तरह से मानो कि ऐसा एक माला बना देते हैं, एक माला बुन देते हैं कि जहाँ पे बैठ के आप पूरी तरह से परफेक्ट पीस महसूस कर सकते हो, परफेक्ट शांति फील कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर, फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। अब कहते हैं देखो शांति की तलाश में लोग जहाँ तहाँ भटकते हैं, तो वही एंड्रयू कहते हैं कि फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर, कहते ओह लवली क्वाइट आई हैव फाउंड यू हेयर इन द गार्डन, और तुम्हारी बहन जो इनोसेंस है, भोलेपन है, उसको मैं यहाँ पाया हूँ, कहना है क्या चाह रहे हैं, जबकि मैं तो सोच रहा था कि शहरों में मिलेंगे, लोगों के भीड़ में मिलेगी, लेकिन मुझे कहाँ आकर मिली है, फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड यू फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर, कहते हैं कि मैं शांति तुम्हें यहाँ आके पाया हूँ, और तुम्हारी सिस्टर जो भोलेपन है वो भी यहीं पे मिली है। मिस्टेकन लॉन्ग आई साउट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ वेन, कहते हैं कि ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी पागलपन थी, गलती मेरे से हो गई कि मैं तुम्हें खोज रहा था लोगों के बीच,
आदमियों के बीच खोजने में मैं बिजी था, मैं लगा हुआ था, जबकि तुम कहाँ मिले हो? इस गार्डन में शांति मिले हो। योर सैक्रेड प्लांट्स इफ देयर बिलो ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो। कहते कि तुम्हारे जो पवित्र फूल है वो केवल इन्हीं पौधों में, जो नीचे जो पेड़ पौधे हैं जंगल में गार्डन में, इन्हीं पौधों में उगते हैं। सोसाइटी इज ऑल बट रूट टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। कहते ये समाज जो है ये वास्तव में इस तनहा, इस एकांत के प्रति बहुत रूट है। वास्तव में समझो सॉलिट्यूड क्या होता है, एकांत, ऐसा एकांत जो आपको सुकून दे। देखो एकांत तो वो भी होता है लोनलीनेस, जहाँ पे कि अकेलापन के कारण आप डर फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं, लेकिन सॉलिट्यूड यूज़ किया जाता है, ऐसा एकांत जो आपको सुकून दे। तो कहते सोसाइटी कुछ नहीं है, वो बड़ी रूड है, वो वहाँ पे जाकर के आपको शांति नहीं मिलेगी, वहाँ पे अच्छा आप फील नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत समाज में आप कोई अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर कहीं शांति और कहीं बढ़िया महसूस कर सकते हैं तो वो क्या है, आप किसी जंगल में चले जाए, एकांत में बैठ जाए और वहाँ पे आप एक लवली सॉलिट्यूड, लवली एकांत महसूस करेंगे आप। नो व्हाइट नॉर रेड वाज सी एवर सीन सो एमोरस एज दिस लवली ग्रीन। देखो यहाँ व्हाइट एक लेडी के लिए यूज किया गया है कि कोई ऐसी लेडी जो फेयर कम्प्लेक्शन है, एकदम गोरी है, और उसके जो लिप्स है, रोजी लिप्स है, रेड लिप्स है, जनरली ये माना जाता है कि गोरी हो, रेड लिप्स हो, बहुत सुंदर हो तो वो बहुत आकर्षक होती है। लेखक मार्वल एंड्रयू कहते हैं कि ऐसी कोई गोरी और रेड होठों वाली उतनी आकर्षक नहीं हो सकती है जितनी आकर्षक एक लवली ग्रीन गार्डन होती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एमोरस, एमोरस का मतलब होता है प्रेम जगाने वाला, सेक्सुअल इंटरेस्ट जगाने वाला। तो कहते हैं कि किसी महिला को देख करके आपके अंदर कामुकता शायद उतनी नहीं जगे जितनी कि इस सुंदर ग्रीन गार्डन को देख करके जगती है। फॉन्ड लवर्स क्रूएल एज देयर फ्लेम कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। कहते हैं बहुत सारे पागल जो प्यार करने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमिका के प्रति पागल होते हैं, वो बड़े क्रूएल होते हैं और उस प्यार की आग के लौ में बर्बाद किसको कर देते हैं, पेड़ को। क्यों? पेड़ के छाल को काट करके वहाँ पे वो अपने नाम लिख लेते हैं, ठीक है। फॉन्ड लवर्स क्रूएल एज देयर फ्लेम कट इन दीज ट्रीज, काट लेते हैं पेड़ों को, एंड देयर मिस्ट्रेस नेम, और अपनी प्रेमिका के नाम लिख देते हैं। लिटल एलास दे नो और हीड हाउ फार दीज ब्यूटीज हर्स एक्सीड। थोड़ा भी काश वो जानते, क्या जानते, कि इन पेड़ों की जो सुंदरता है उनकी अपनी प्रेमिका के सुंदरता, उनके बिलव्ड के सुंदरता से काफ़ी काफ़ी आगे है, एक्सीड कर जाता है उसकी सुंदरता, पेड़ों की सुंदरता, जंगल की सुंदरता, गार्डन की सुंदरता, उसके सामने उसकी प्रेमिका की सुंदरता कुछ भी नहीं है। फेयर ट्रीज वेयर सो एवर योर बॉक्स आई उंड नो नेम सेल बट योर ओन बी फाउंड। ये कहते हैं फेयर मतलब ऐसे होता है गोरे, लेकिन अच्छे के सेंस में यूज किया जाता है। तो कहता है फेयर ट्रीज, पेड़ को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि अगर मैं कभी किसी पेड़ की छाल को, बॉक्स मीन्स छाल, पेड़ की छाल, उंड मतलब घायल करना, मतलब मैं अगर कभी, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं, अगर मैंने कभी किया, अगर मैंने किसी पेड़ के छाल को काट करके अगर मैं कभी कुछ उस पर लिखा तो नो नेम सेल बट योर नेम बी फाउंड, वहाँ किसी और का नाम नहीं होगा, इसी पेड़ का नाम होगा, इसी ट्रीज का नाम होगा। तो क्योंकि ये उसकी संपत्ति है, ये वास्तव में लेखक इस पेड़ को प्यार कर रहा है और इसीलिए उस पेड़ का ही नाम उसमें लिखेंगे। वेन वी हैव
When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat. Passion मतलब चाहत, heat means समझो जानते ही हो, retreat मतलब होता है वापस लौटना. यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जब लोगों के प्रेमिकाओं के प्यार परवान चढ़े होते हैं तो फिर तो वो तरह तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन जब उनका प्यार वापस लौट जाता है, पैशंस की गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उनको शांति कहाँ मिलती है? गार्डन में जाकर ही, पेड़ पौधों के बीच जाकर ही, प्रकृति के बीच जाकर ही. द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन ए ट्री डिड एंड देयर रेस. यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से एक ग्रीक गॉड प्यार की चाहत में भटकते रहे, एक मरणशील सुंदरता मतलब जो सांसारिक सुंदरता है उसके पीछे भागते रहे, लेकिन उनकी चाहत ख़त्म नहीं हुई, और चाहत प्यार की शांत कहाँ हुई? इस जंगल में आके शांत हुई, पेड़ों के बीच आकर के शांत हुई. ठीक है, तो ये कहने की कोशिश की गई है कि जो प्यार, जो संतुष्टि, जो पीस, जो आराम पेड़ों के बीच, प्रकृति के बीच, गार्डन में मिलती है, वो कहीं और व्यक्तियों के बीच, लोगों के बीच नहीं मिल सकती. एक और एग्जांपल देकर समझाया कि अपोलो हॉन्टेड डैफनी सो ओनली दैट सी माइट लॉरेल ग्रो. अपोलो एक गॉड है जो एक निम्फ डैफनी मतलब एक बहुत सुंदर परी के पीछे भागते थे, भागते और वो नहीं चाहती थी अपोलो को. डैफनी नहीं चाहती थी अपोलो को, तो वो भागती थी, अपोलो उसका पीछे कर रहे थे. तो अंत में क्या हुआ कि भागते भागते जंगल में आ गई डैफनी, और वह अपने आप को एक लॉरेल ट्री के रूप में तब्दील कर ली, और वहीं पे उसकी प्यार वहीं पे ख़त्म हो गई. एक यहाँ पे दो आशय देने की कोशिश की जा रही है कि एक तो मानव के रूप में अगर आप प्यार खोजते हैं दूसरे इंसान के में, तो वो आपको परमानेंट प्यार नहीं मिल सकती है. दूसरी आशय एक ये भी है कि प्यार की तलाश आपकी ख़त्म कहाँ जाके हो जाएगी? जंगल में. मतलब आप जंगल से, पेड़ों से, प्रकृति से प्यार करने लग जाएं, तो फिर वहाँ उसके बाद आपको किसी और प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड पैन डिड आफ्टर श्रीनिक्स स्पीड नॉट एज अ निम्फ बट फॉर ए रीड. एक और एग्जाम्पल देकर समझाया है कि पैन जिस तरह से निम्फ एक परी श्रीनिक्स के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, वो भी जंगल में आकर के एक पेड़ में तब्दील हो गई. उस पेड़ का नाम है रीड. रीड आप समझते होंगे नरकट, जिससे बांसुरी बनती है, तो उसके पेड़ को बोलते हैं रीड. तो वो भी उसकी प्यार आकर के जंगल में क्या बन गई? रीड बन गई. तो इस तरह से अलग अलग एग्जांपल्स देकर समझाया गया है. व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड, राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड. अब इस जंगल में, गार्डन में जो लाइफ एंड्रयू जी रहे हैं, उसकी सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं. कहते क्या शानदार जीवन मैं इस गार्डन में जी रहा हूँ कि पके एप्पल्स मेरे सर के पास गिरते हैं. द ल्यूसियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन. वाओ, वाइन मतलब होता है लता, आइस वाइन मतलब शराब. आप जानते हैं कि अंगूर वगैरह से शराब बनाई जाती है. तो कहते हैं कि लताओं में फल लगे हुए हैं जो बड़े रसीले फल है, और वो मेरे मुंह के पास आकर के क्रश हो आते हैं, पिचक जाते हैं, और उसमें से रस निकलता है. ऐसे महसूस होता है जैसे कि मुझे अंगूर का या कोई चीज़ का वाइन पिलाया जा रहा हो, रस पिलाया जा रहा हो. बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है इसकी. द नेक्टराइन एंड क्रूसियस पीच इन टू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच
कहते हैं कि जो अमृत के समान और पीच नाशपाती है वो इतने नज़दीक नज़दीक देखने को मिलते हैं कि बस मैं हाथ बढ़ाऊं और बड़े आराम से उसको मैं तोड़ लूं, मतलब मेरी हाथ आराम से वहां उसके रिच तक है पहुंच जाती है, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं। स्टम्बलिंग ऑन मेलन एज आई पास इंसनर्ड विथ फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास, कहते हैं कि जब मैं चलता हूँ तो पैरों से टकरा जाते हैं मेलन्स, मेलन्स तरबूज वगैरह जो होता है उसको, तरबूज मेरे पैर से टकरा जाते हैं और मैं स्टम्बल कर जाता हूँ, धरफरा जाता हूँ, लड़खड़ा जाता हूँ। फिर क्या होता है कि फ्लावर्स के जो लताएँ हैं, लताओं वाली फ्लावर्स है, वो क्या करते हैं मेरे पैरों में उलझ जाते हैं और मैं घास पर जाके गिर जाता हूँ, और वो घास क्या है बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, मतलब ओवरऑल जो राइटर है उसको बहुत मज़ा आ रहा है जंगल में टाइम बिता करके, गार्डन में टाइम बिता करके। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लीजर्स लेस विड्रू इन टू इट्स हैप्पीनेस, अब ये गार्डन में इन सभी खुशियों में व्यस्त है राइटर, इसी बीच क्या होता है इनकी माइंड अब इन सारी खुशियों से हट करके, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लीजर्स लेस, अब इन सारी खुशियों से हट करके अब थोड़े से शांत हो जाती है माइंड। द माइंड दैट ओशियन वेयर इच काइंड डज स्टेट इट्स ओन रिजेंबलेंस फाइन, अब देखो यहाँ पर माइंड का कह रहा है कि ये माइंड जो है एक ऐसी मिरर है जिसके अंदर, माइंड के अंदर एक पूरे संसार भरा पड़ा है, पूरे समुद्र भरा पड़ा है, मतलब समुद्र रूपी संसार भरा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ तुलना की गई है इंसान के माइंड को समुद्र से, जिस तरह से समुद्र में पूरे जीवन शैली रहती है, पूरा सब कुछ रहता है, ठीक इसी तरह से तुलना की गई है माइंड को। कहता है इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज, कहता है कि ये जो माइंड है ये नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकती है, ये जो नई दुनिया, नए समुद्र, नई सब कुछ क्रिएट कर सकती है, पूरा बदला हुआ ट्रांसेंडिंग सब कुछ में नया नया क्रिएट करके बदल सकते हैं, नई चीज़ें जो मूव कर रही हो ऐसा कुछ बना सकता है, नई दुनिया पैदा कर सकता है। एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू ए ग्रीन थॉट इन ए गार्डन सेट, कहते हैं कि एनिलेटिंग मतलब होता है ख़त्म कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। एनिलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू ए ग्रीन थॉट इन ए गार्डन सेट, आपके मन के अंदर पूरे दुनिया भर के, समुद्र भर के चीज़ें होती है, परेशान हैं आप, ये होती है, वो होती है, बहुत कुछ होती है, लेकिन जैसे ही आप गार्डन में हरे भरे पेड़ों के छाए में आएंगे तो ये सारी दुनिया की, समुद्र, सारी दुनिया की परेशानियाँ एनिलेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही आप पेड़ के छाए में लेटेंगे। हियर एट द माउंटेन स्लाइडिंग फुट और एट सम फ्रूट ट्रीज मॉसी रूट, देखो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है, आप कभी किसी जंगल में अगर गए हैं तो आप देखेंगे कि जंगल में पेड़ है बहुत सारे, ऊपर से पानी गिर रहा है और पेड़ के जड़ के पास पानी वानी लगा हुआ है और पेड़ के जड़ पे फिसलन वाला बन जाता है, ठीक है, और वहाँ पे काई लग जाती है, तो इसी के बारे में चर्चा की गई है कि हियर एट द माउंटेन स्लाइडिंग फुट, माउंटेन से जो नीचे उतरने वाले स्लाइडिंग जगह है पैर पे, वहाँ नीचे पे, और एट सम फ्रूट ट्रीज मॉसी रूट, और यहाँ पे जो कुछ फल के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं और उसके जड़ है जिस पे काई लग गई हुई है। कास्टिंग द बेबीज वेस्ट एसाइड माई सोल इन टू द बोज डज ग्लाइड, तो ये कहने की कोशिश की गई है कि जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो ऐसे करता है जैसे कि आप नहाने के लिए क्या करते हो,
अपना कपड़ा फेंक उतार देते हो या फिर नहाने चले जाते हो। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड। अब मेरा जो एक तो सोल है और एक क्या है, बॉडी है, तो बॉडी को मेरा सोल अलग कर देता है। जिस तरह से नहाने से पहले आप कपड़े उतार के अलग रख देते हैं, तो कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड, बॉडी को हमारा सोल क्या करता है, अलग कर देता है। माई सोल इन टू द बाउज डज ग्लाइड। बॉज मतलब होता है पेड़ की शाखाएँ, और वो जो मौसी रूट जो काई लगे हुए पेड़ पौधे हैं वहाँ पर मेरे सोल मेरी आत्मा निकल करके वहाँ चली जाती है और वहाँ पे ग्लाइड करती है, फिसलती है, इंजॉय करती है, मौज मस्ती करती है। सुंदर लाइन, देयर लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स। वहाँ पे मेरी सोल जो बॉडी को अलग करके रख दी हुई है वहाँ जा कर के टहनियों पे बैठ जाती है और गाती है। देन वेट्स एंड कॉम्स इट्स सिल्वर विंग्स। जिस तरह से आप कभी देखोगे कि जब चिड़िया नहाती है तो अपने पंखों को फड़फड़ा करके पानी उड़ाती है, ठीक है, तो ठीक इसी तरह से कहता है कि यहाँ पे हमारी सोल चिड़िया के रूप में बैठ जाती है और अपने सिल्वर रंग की जो पंखे हैं उसको क्या करती है, फड़फड़ाती है और उसको सजाती है, कॉम्ब करती है, जैसे आदमी कंघी करता है उस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर रचना की गई है और ये की गई है चिड़ियाओं की तुलना सोल से करते हुए। एंड टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट वेब्स इन इट्स प्लम्स द वेरियस लाइट। अब देखो, अब इसको एक तरफ चिड़िया की बात हो रही है, एक तरफ सोल की बात हो रही है, सोल से तुलना करते हुए कि अब एक लंबी यात्रा पे जानी है चिड़िया को या सोल को, तो उसके लिए तैयारी करती है और इसके लिए क्या करती है, आपको मालूम प्लूम्स होता है कि जो पंखे चिड़ियाओं के जो पंख होते हैं उसमें अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं कलर्स के, ठीक है, तो उस पर तरह तरह के लाइट्स पड़ती है और वो लाइट्स अलग अलग तरह के चमकते हैं। तो कहते हैं जब पानी से भीग गया था अब वो पूरा साफ़ हो गया है, अब उस पर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद वो पानी को फड़फड़ा करके पानी को बाहर कर दिए, अब उससे चमक निकलने लग गई, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि चिड़िया अब बहुत लंबी यात्रा के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड की है। मतलब ये कि हमारी सोल यहाँ पर बॉस पे, यहाँ पे ट्रीज पे, जहाँ मौसी रूट है वहाँ पे सब पे घूम करके पूरा एकदम फ्रेश हो गया है मेरा सोल और फिर से अब लंबी यात्रा पे जाने के लिए वो तैयार हो गया है। आई होप कि ये तुलनात्मक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट ए मेट। कहता है कि इस तरह की खुशनुमा जगह है गार्डन, जहाँ पे बिना अपने साथी के भी लोग रहते हैं और खुशी महसूस करते हैं। इसमें एक संदर्भ मैं बताना चाहूँगा कि जब भगवान ने ईडन गार्डन बनाया था, स्वर्ग बनाया था, तो उसमें केवल ईव को, आदम को भेजा था, ठीक है, आदम पुरुष थे और ईव को बाद में भेजा गया महिला के रूप में और उसकी एक अलग कहानी है। तो सर्वप्रथम गार्डन जब बनाया गॉड ने, उसको कहा गया ईडन गार्डन, गार्डन ऑफ ईडन, तो वहाँ पे गॉड ने पहले आदम को क्रिएट किया, ठीक है, और आदम अकेले वहाँ पर बड़ी खुशी खुशी रह रहा था पूरा गार्डन में, उसको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बहुत खुश था। लेकिन भगवान ने फिर बाद में क्या किया, ईव को बना दिया, और ईव को बना दिया उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम्स वहाँ शुरू हो गई। तो इसकी कहानी आप पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है, और वहाँ पे जाके तब ये महसूस हुआ कि कंपनी की वास्तव में उसको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर वो कंपनी नहीं होती तो ईडन गार्डन में वो हमेशा इंजॉय करता रहता, ठीक है। आफ्टर ए प्लेस सो प्योर एंड स्वीट व्हाट अदर हेल्प कुड इट बी मीट। कहते हैं कि इतनी सुंदर, इतने पायस, इतने मीठा जगह, मतलब गार्डन को कह रहा है, प्रकृति के गोद को कह रहा है, मैं किसी और की क्या ज़रूरत हो, किसी साथी की क्या ज़रूरत हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट वॉज बियॉन्ड ए मॉर्टल शेयर टू वंडर सॉलिटरी देयर।
कहता है कि लेकिन जो ईडन में भगवान ने जो स्वर्ग रूपी गार्डन बनाया था, उसमें जो अकेले रहकर जो शांति और जो सुखी सुख प्राप्त होता था, वो किसी मॉर्टल मरणशील व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो एक आश्चर्य ही व्यक्त कर सकता है कि कोई आदमी एकांत में अकेले रह करके ऐसा महसूस करे। मतलब एक मरणशील व्यक्ति जो दुनिया में है, उसके लिए ये संभव नहीं है, उसके उसके पहुंच से बाहर की बात है। टू पैराडाइस ड्वेयर इन वन टू लिव इन पैराडाइस एलोन, कहते हैं कि उस समय स्वर्ग में रहने के लिए दो स्वर्ग मिल गए उसको। एक तो गार्डन रूपी स्वर्ग, क्योंकि ईडन गार्डन में थे तो वो एक गार्डन रूपी स्वर्ग मिल गया। दूसरा अकेले होना भी एक स्वर्ग हुआ, टू लिव इन पैराडाइस एलोन। तो इस तरह से दो दो स्वर्ग वहां पे देखने को मिलती है। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डेनर ड्रीव ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। अब देखो यहां पे प्रशंसा की गई है इस गार्डन को बनाने वाले को। इसमें दो बातें हैं, एक तो गार्डनर की प्रशंसा हो सकती है या भगवान की, ये अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए। एक देखो हर्ब्स डायल ये होता है कि इस तरह का एक होता है और यहाँ पे एक कोई बड़ा सा पेड़ वो लगा रहता है और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे छाया बनता है और इस तरह से टाइम टेबल बना होता है, घड़ी बनती है। तो छाया की सहायता से, और इसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं बहुत सारे, तो बहुत प्राचीन काल में पेड़ की छाया इस तरह से पेड़ों को सजाया गया रहता था कि सूरज की छाया को देख करके लोग टाइम एग्जैक्ट टाइम बता देते थे कि कितने बजे हैं। तो इसके लिए यूज़ किया गया है फ्लावर्स और हर्ब्स डायल। कहते हैं कि कितने ये जो बनाने वाले ने कितनी सुंदरता से कितनी कुशलता से इस फ्लावर्स और हर्ब्स को डायल को बनाया हुआ है, कितनी सुंदर बनाया है। वेयर फ्रॉम एबव द माइल्डर सन डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट जॉडियक रन, कहता है कि देखो जॉडियक होता है जो राशिफल हम लोग कहते हैं ना, जॉडियक साइन, वृश्चिक राशि, तुला राशि, तो उसको जॉडियक बोलते हैं। वास्तव में वो एक पाथ है, सन का पाथ है, जहाँ पे अलग अलग नाम दिया गया है। तो कहता है कि जब सूरज की रोशनी ऊपर से पड़ती है तो इसी रास्ते होकर के एक सुगंध छेड़ती हुई बिखेरती हुई चलती चली जाती है। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल वी, कहते हैं जब बागीचा में, जब गार्डन में, जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, सूरज अपने पाथ से होकर के चल रहा होता है और पेड़ पौधे तरह तरह के फ्रेग्रेंस सुगंध फैला रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे देखो कि सूरज और ये गार्डन सब मिल करके अपना काम कर रहे हैं। और इस काम में बहुत एक मेहनती है, वो क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है कौन क्या काम कर रहा है और वो सबकी गणना करता है कि कौन कितना देर काम किया, कंप्यूट्स करता है। हाँ, जैसे कि हम लोग करते हैं अपने काम की गणना की, 8 घंटा काम किए, 4 घंटा काम किए, तो इस तरह से इस टाइम का लेखा जोखा रखने के लिए कौन काम कर रहा है, इंडस्ट्रियस बी, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, बी मीन्स मधुमक्खी। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रिकॉर्ड बट विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स, कहते हैं कि कैसे इतने सुंदर, इतना बढ़िया टाइम का महसूस कोई करे अगर हर्ब्स एंड फ्लावर्स डायल नहीं बना हुआ हो, तो पता नहीं चलेगा कि कैसे हमने टाइम बिताया वहाँ पे। तो ये हर्ब्स, कहने का ये आशा है कि हर्ब्स और फ्लावर्स के जो घड़ी बनी हुई है उसी की वजह से हम अपने इतने अच्छे, इतने हेल्दी, इतने डिलाइटफुल जो टाइम को मार्क कर पाते हैं कि हमारा इस समय इतना बढ़िया गुजरा। सो दैट्स ऑल, इट वॉज अ लॉन्ग पोएम। आप इसको बार बार देखें, समझें, और अगर लगता है कि आपको किसी भी रूप में ये फ़ायदे का है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।